चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वैसे फनी वीडियो है, हाँ मतलब फनी फनी नहीं नहीं है है, लेकिन वो रिएक्ट मतलब कर रहे हैं मुझे लेकिन पता है कि हाँ जो रिएक्शन आने वो फनी है, क्योंकि हम हाँ लोग ना इंडिया से एक होता है ऑटोमोबाइल दस इंडस्ट्री में साल बहुत पीछे एक होता है 20 साल, एक होता है 25 साल, एक होता है 50, हम लोग 50 साल इंडिया से पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया में जो बाइक्स का लेवल है वो एक डिफरेंट है चलो हमारा बाइक्स पहले का पहले लेवल। ही तुमने बता तो दिया टॉपिक क्या मैं है। मुझे पता है ना, पाकिस्तानी बाइक्स, पाकिस्तानी बाइक शो शोइंग इन इंडिया, इंडियन, इंडियन पब्लिक रिएक्शन, ये मतलब मतलब बंदा अपने नाम मोबाइल ऐसा से लिखा है। बाइक्स दिखाएगा और हाँ उनका वो रिएक्शन होगा। तो लेट्स मूव, हाँ हम लोग भी फोटो चेकआउट कर लेते हैं। मैंने वीडियो नहीं देखी भी, आप लोगों या ने भी फिर बहुत रियल इंडिया वीडियो होना का चाहिए लिंक, था। वो रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, चले और नूर देखते के हैं। चैनल का भी लिंक आप लोगों को हाँ डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब मिल करो गया, वहां यार, पर भी सब्सक्राइब करो। तो लेट्स मूव, स्टार्ट करते हम हैं। आपको एक बाइक दिखाएंगे, आपको देख के बताना कि आपको कैसी लगे। कितनी कौन खराब सी बाइक बाइक है मुझे भी दिखाओ। उस तस्वीर में नंबर से की फोर सात आ रही आनी है। हाँ है, सात आने रिक्शे में लगेगी। बांधने वाली है, नमस्कार, वैसे आदाब, रिक्शे की सत श्री ज्यादा अकाल जी, बांधने मेरा वाली नाम है अरुण यहाँ की कुमार और आप बाइक्स देख रहे हैं रिएक्शन तकरीबन। टॉक। हमें पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं पॉपकॉर्न, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो पॉपकॉर्न पाकिस्तान की बाइक है उनको, यहाँ के जो यूथ है उनको दिखाएं और उनका रिएक्शन लें। आज का हमारा यही टॉपिक है, वीडियो यार को मत पूरा दिखाओ देखिएगा। प्लीज, अगर आप हमारे ये चैनल पर तो पहली बार आए खुलेआम हैं तो हमारे चैनल बेइज्जती को है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग ओके चलते गुड, हैं जनता के पास में और उनको दिखाते हैं मोटरसाइकिल और उनका रिएक्शन लेते हैं। ओके क्या नाम है आपका? जनता प्राची दीवारी, अंजलि दीवारी, सिद्धार्थ शुक्ला, क्या करते हो आप लोग? सिद्धार्थ शुक्ला, सीक्रेट अच्छा, आप समझ ये गए होगे बताओ आप कि लोग। कहीं ना कहीं दिमाग में बच्चों के आता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, आता है कि हमको बाइक एक हमारे पिताजी दिलाएं, या हम ग्रेजुएट में पहुंच जाएं या कुछ ऐसा करें। तो एक बाइक का सबका ड्रीम होता है कि बाइक ले घूमें, ऐसा है बाइक लेना। स्कूटी, बिल्कुल। अच्छा, हम आपको एक बाइक दिखाएंगे, आपको देख के बताना कि आपको कैसी लगी और इसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। ये देखिए यार, दिख ही नहीं रही मुझे। हाँ अच्छा, हाँ वो ये राइड है, कैसी 125 है, होंडा है। 125। इसका प्राइस क्या होगा? 1 लाख से ऊपर खुद है। बताइए। हाँ ओ, 2 लाख। मैं बाराबंकी में सेकंड हैंड 10-12 हजार की। ऐसे ही होगा। काश पापा ये बाइक चला दोगे। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। इसका पता है उसका ना इसका रंग प्राइस ऐसा जो है है वो उसकी दो वजह से लाख ये। इक्यावन हजार रुपए है पाकिस्तान के सही अंदर। कह रहे हैं इमरान खान चले, हम लोग नहीं चल सकते। इमरान इमरान खान चला है। अच्छा दूसरी मैं बाइक दिखा भाई, रहा हूँ। इमरान खान चला गया है, तुम लोग अभी भी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना के बैठे हुए हो। ये देखना कैसे लगे। ये भी नहीं सही है, नहीं ये चाहिए। फिर ये प्राइस क्या होगा? सुजुकी की है, ये फिर मिलती जुलती है। रंग चेंज कर दे तो बेटर है ये। नहीं नहीं, इसका प्राइस जो ये है वो सुजुकी की 2.5 लाख है, रुपए है, वो भी एक्स शोरूम। अगर आप ये इसको ऑन 150 रोड पे है। जाएंगे तो लगभग 3 लाख रुपए का। हाँ है ना, हाँ वहाँ 2.5 लाख की कदर ही है। ये वहाँ की टॉप मोटरसाइकिल हमने दिखाई है। हाँ, अब आप सही बताइए कह आप रहे लोगों हैं, को कौन से। 150 है ये। हमें बाबा दादा चलते होंगे इससे। ये भी सही कहा, कौन से मैं इसीलिए कहा था 50 साल। नो, ओ कोई बाइक ले लेते। बाइक्स चेक करो, इंडिया की बाइक। इंडिया की थैंक यू बाइक सो मच। है ना। क्या नाम है भाई? सुधांशु नाम है। आपका क्या नाम? आकाश। क्या करते हो? तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई? अच्छा, कभी ना कभी दिमाग में ख्याल जरूर आता है स्टूडेंट्स के कि हमें एक बढ़िया बाइक मिलनी चाहिए जब हम ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट में होंगे। हाँ, वो तो आता है। क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा, हम आपको एक बाइक दिखाएंगे और वो बाइक देख के बताना यार, है फनी कैसी है रिएक्शन, सच में। और अगर आप लेना चाहेंगे मजे की है रिएक्शन यार, अगर उनके पास इतनी अच्छी बाइक्स अवेलेबल है तो उनको तो ये गंदी लगेगी। हम क्या दिखा रहे हो यार, कोई बाइक दिखाओ। ये कोई बाइक है? अरे बाइक है भैया, बहुत महंगी बाइक है। ये कौन सी महंगी बाइक है? ये तो अच्छा, इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस कितना होगा? 10-20 हजार रुपए होगा। इससे कम? इससे भी कम? थोड़ी आती 5 हजार की साइकिल है। साइकिल है। अच्छा, इसका हम प्राइस आपको बता दे रहे हैं। 36 हजार की साइकिल आती है, जो सस्ती साइकिल आती है पाकिस्तान का प्राइस है वो। इसका प्राइस है 2,10,000। एक नंबर की कूड़ा गाड़ी है। सही बात है यार, सही बोल रहे हो। 2,10,000 में कूड़ा बाइक है। अच्छा, अगर आपको बोले कि आपके पिताजी बोले कि हम यही वाली दिलाएंगे आपको, तो लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बाइक हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बच्चे मर रहे होते हैं इन बाइक्स के लिए यार, उन बेचारों की बात यही होती है। ऑप्शन ही है, ऑप्शन ही नहीं। क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, ये मुझे फिर भी भगवान, ये क्या? वो कहते हैं ये वही है बाइक है। वो तो ऐसे फ्लैट थी पहले, यहाँ मतलब 2000 यमहा सुजुकी की। सही है, ये तो ये उस टाइप की भी नहीं है, एकदम बेकार।
यामाहा सुजुकी है ये। अच्छा इसका प्राइस हम क्या होगा लगभग आप? इसका भी प्राइस बहुत है, बस 60,000 तक। बस 15,000 बहुत है। 15,000 इसका तो रेट ही बहुत कम है। वो साले चुतिया हैं सब। वो चुतिया है। सही कहा है। देखो वहाँ के लिए तो हम लोग इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे ना। इसके बाद में वहाँ अगर नीचे ग्रेड में जाओगे 1.5-2 लाख में ना, तो आपको बिल्कुल थर्ड क्लास की बाइक मिलेंगी यहाँ। अच्छा इनकी एक और बात हम बता दें, लगभग 70-100 cc की बाइक है ये, 150 cc भी नहीं है। तो तुम सोचो एकदम फर्राटा लगा। 150 cc है ब्रो ये सुजुकी की बाइक, 150 cc है, रिक्शे में बांधने वाली है। चलिए धन्यवाद भाई। ठीक है भैया, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? सौम्य वर्मा। आपका? तुषार वर्मा। क्या करते हो दोनों भाई? तुम बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल कर रहे हो। अच्छा कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया होगा कभी ना कभी कि हम जब बड़े होंगे एक बढ़िया सा मोटरसाइकिल। बड़े होंगे और कितने बड़े होंगे जी? यस सर। कौन सी बाइक पसंद? केटीएम। केटीएम हमको तो बीएमडब्ल्यू हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आपको बताना है कि ये बाइक आपको कैसी लगी है। और अगर ऐसी बाइक से आपने ये दिखाओगे तो ये तो कचरा ही लगेगी। की गाड़ी आप लेना चाहेंगे? नहीं उनको वहाँ पर चलती उस तरह की गाड़ी बाइक से ना। ठीक है उधर बाइक्स का स्टाइल भी बिल्कुल नो मिलेगी नहीं गाड़ी भाई, देखने देखना है यार। अरे यार गुम हो गया यार, खुल जा भाई। खोल ले। लॉक लग गया फोन को उसके। वो घंटे से गाड़ी की तस्वीर देखो कैसे गाड़ी लगी। ये गाड़ी नहीं है बाइक है। लग रही है। अच्छा मतलब यही लेना चाहोगे? कैसे लग रही है? यही ठीक लग रही है। यही ठीक यार, ये मासूम है। इसका प्राइस क्या होगा लगभग बताओ? लगभग इसका प्राइस 50,000 होगा। अरे भाई ने फिर भी ये उधर के हिसाब से इंडियन 50,000 के हिसाब से इंडिया में देखे हैं कभी? अभी देखे होंगे 20-25 साल पहले। हाँ ये बात सही है। हम ओरिजिनल प्राइस आपको बताएं तो है 2,10,000 रुपए। कहाँ का है? इंडिया। कैसा लगा प्राइस सुन के? सच का 2,10,000 में कौन सी गाड़ी मिल जाएगी? अरे यहाँ पे KTM मिल जाएगी और R15 मिल जाएगी। बहुत सारी देखो ना वहाँ पर तो अच्छे बाइक। अच्छा एक और गाड़ी हम दिखाएं आपको? चलो वहाँ पर 4 लाख में इतनी प्यारी गाड़ियाँ मिलती हैं। सही बात है। ये गाड़ी आपने देखी होगी? नहीं हमने नहीं देखी। कार्स मतलब हाँ देखे हैं। क्या क्या प्राइस होगा कुछ अंदाजा बताओ? ये पहले जब आती थी 32,000 रुपए का आती थी यहाँ पर। हाँ भाई हाँ। कैसी गाड़ी लगी? अच्छी लगी गाड़ी। अच्छी पसंद है ले सकते हो अगर दिलाएंगे पापा तो। हाँ पापा दिलाएंगे। पापा दिलाएंगे तो ले लो। इसका प्राइस जो है वो हम आपको बता देते हैं। 2.5 लाख। इसका प्राइस है 2,51,000। घर पर बोलेंगे तो मारे जाएंगे। ये मतलब 2,51,000 इंडियन रुपीस में कर लो तो कम बन जाएगा। इंडियन कन्वर्ट करोगे तो बहुत कम बन जाएंगे। बाहर हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में क्या 2,51,000 के लिए? नहीं वो तो लेगा नहीं ना कोई नहीं लेगा। इंडिया में क्यों लेगा? इंडिया में तो बहुत महंगा बताया है। ये पाकिस्तान का प्राइस है और ये एक शोरूम प्राइस है। इसके बाद में इसमें आपको रोड टैक्स सारी चीज देनी पड़ेगी। ये मोटरसाइकिल आपको 3 लाख रुपए पड़ेंगी और 3 लाख रुपए की यहाँ पर जो आती है वो BMW की बाइक मिल जाएगी आपको। जी बिल्कुल। तो कैसा लगा भारत में रह रहे हो? खुश हो? अच्छा लगा भाई भारत में रह। ये कोई पूछने वाली बात है? हर बंदा अपने कंट्री में खुश है। चलो धन्य। देखो हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की बाइक थी उनको देखने के बाद में, मोटरसाइकिल जो थी उनको देखने के बाद में, भारत का जो यूथ है स्टूडेंट है उनका रिएक्शन बहुत ही खराब रहा। क्योंकि भारत के अंदर उससे कम पैसे में बहुत ही अच्छी अच्छी बाइक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 50-60,000 से स्टार्टिंग जो होती है बाइक की, उसमें इलेक्ट्रिक बाइक भी है। तो इसलिए लोग वहाँ की बाइकों को देख के भैया चौंक गए कि इतने ज्यादा महंगी प्राइस में आप लोग कैसे खरीदते हैं। पॉपकॉर्न ने हमें चैलेंज दिया था वो हमने आपको पूरा करके दिखा दिया है। और अगर कोई पाकिस्तान का यूट्यूबर है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है किसी टॉपिक के ऊपर तो हमें जरूर बताए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। आप लोग क्यों बेइज्जती हमने अपनी करानी है? यार वो जो फोटोज दिखा रहे थे ना साथ साथ इंडियन बाइक्स की वो तो बहुत जबरदस्त। अच्छा वो तो जबरदस्त है लेकिन जो चीज मैंने स्टार्ट होने से पहले ही मुझे आइडिया था
कि ये बेसिकली एक फनी टाइप बन जाएगा हमारे लिए हाँ वीडियो, तो क्योंकि मुझे पता है ना पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है यार बाइक्स के मामले, बाइक कार्स में भी बहुत पीछे कार्स है। में, बाइक्स में, हाँ टेक्नोलॉजी में, हम लोग हर चीज में ना हाँ तकरीबन इनसे पीछे ही है। क्योंकि क्योंकि हमारे अपने ना घर में अक्सर लड़ाई चल रही होती है, उस मसले से नहीं हम बाहर निकल रहे होते, हमारे मोहल्ले में कोई ना कोई यार मसला चल हमारे, रहा होता मैंने है, एक हमारे बात गली में नोटिस कोई किया कि मोहल्ला है पाकिस्तान में अगर कोई इतना पढ़ लिख जाए ना जो ये कर सके वो बाहर भाग जाता है, वो बाहर चला तो फिर जाता है, हम वो क्या फिर करें। बाहर के कंट्रीज में हाँ जाकर, काम असल करता है। में यहाँ पर हमें हमें क्या किसी को भी काम ही नहीं करने दिया जाता, जो अच्छा काम कर ले वो बंदा ही गायब, बंदा गायब, कहाँ पे बंदा फिर वो काले डाले में जाता है फिर नजर नहीं आता किसी दिन ये वीडियो में ना नजर आए तो समझ जाना। काली गाड़ी आती है लेके चली जाती है, फिर वो पता नहीं होता बंदा कहाँ गया है। तो खैर ये मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, इसलिए ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते ना, मतलब पढ़े लिखे जो जो होते हैं होते हैं ना वो अपना वो ओपिनियन फिर थोड़ा पीछे रखते हैं हाँ कि ना वो दे हाँ ना ना दें, दे। और अगर जिनको बहुत कुछ चुल होती है काम करने की, कुछ नया करने की, वो फिर मुल्क से बाहर जाके कुछ हाँ नया कराते हैं, बिल्कुल। तो वो नया करके वापस भी पाकिस्तान भी नहीं आते, फिर सारी जिंदगी वहीं पे रहते हैं, क्योंकि हम फिर उनको आने भी नहीं देते ना, मसला ये। तो खैर वीडियो अल्लाह मजे की करेगा थी, यार। मजा आया सुन के, हाँ कि फनी तो थी। और खैर पाकिस्तानी बाइक्स और इंडियन बाइक्स का कंपैरिजन मैं एक बार तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें मजा आएगा, मैंने अच्छा हाँ वीडियोस हैं। तो खैर एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय एंड अल्लाह हाफिज़।